नाम में सुना दिया, टाइम बर्बाद करो उड़ुसु। जय मां मंगला बेलपार, एवरग्रीन क्लब गोएगा, शान पोखरी, हिम्मत नाहरना, बरावंश, ये तमाम टीमों के कप्तान आकर संपर्क करेंगे हमारे ऑफिस में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैदान के अंदर शुरू हो चुका है महाभारत का महायुद्ध, यानी कि दोनों टीम एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है इस मैदान पर। और पहले से ही बॉल चलता हुआ गोल लाइन से बाहर है, दूसरे संचालक हम लोग देख रहे हैं AR2 के दिशा में सानी का तिरकी जी। ए ना छोटे कर दोगे, और इसे छोड़ेंगे मैदान में। पहले खड़ों से दबाव पर आने के लिए प्रयास करते हुए सुखलाल गुड़िया और सानी का तिरकी दो सह संचालक के रूप में, जहां तक देखे संत सेंटर रेफरी दिस मैच। और बॉल सीधे टच लाइन से बाहर, थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ इस वक्त हाफ वे लाइन के करीब, जब तक टपाका है वहां पर खिलाड़ी तैनात। कहते हैं कि छोटा छोटा तीर और घाव कर देता है गंभीर, बहुत ही बढ़िया कोशिश दोनों टीम की ओर से। एक तरफ लोकल बब्बर शेर बॉयज क्लब सालदूरी बी, और एक तरफ मेहमान टीम ईगल क्लब कबरंडा। दोनों टीम के बीच ये महाभारत का महासंग्राम चलता हुआ इसे सालदूरी के मैदान में। नौजवान खिलाड़ी हल्का सा पुश कर दिए इधर से, वर 14 जो कि स्टाइलिश खिलाड़ी बेहतरीन हेयर स्टाइल के साथ अपने नियंत्रण में लेते हुए, अनुभवी खिलाड़ी डिफ्लेक्टेड होता हुआ बॉल हटा कर डिफेंडर जब से लपचे, छोटा सा पास फिर से जब से वर 11 के लिए। अभी अभी आने वाले दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, बॉयज क्लब सागुड़ी बी और ईगल क्लब कबरंडा के बीच मुकाबला, और गोलकीपर अपने बाहों में ले लिए गोल की का मौका। इसमें से पहला हाफ का मुकाबला जारी मैदान में, धीरे धीरे दर्शकों के संख्या में तब्दीली देखने को मिलता हुआ। राइट फुटर शॉट, ऊपर खिलाड़ी तैनात, राइट वाले खिलाड़ी के पैरों में बॉल, और ये मौका हो सकता है ईगल क्लब कबरंडा के लिए। हल्का सा पास राइट आउट के स्कोरर, नौजवान खिलाड़ी रफ्तार के साथ भाग रहे हैं, बॉल टच लाइन से बाहर है। से संचालक जी का फ्लैग राइट ये सूचना दे रहा है कि ये थ्रोइंग का मौका बॉयज क्लब सालदूरी बी के लिए मिलता हुआ। हमारे कैमरा मैन तैयार, जो कि हमेशा हर पल को अपने कैमरा में कैद करने के लिए लाइव यहां पर जारी है, अपने कैमरा में कैद कर रहे हर पल को, लाजवाब क्षण को। इस बार क्या शानदार स्किल, लेकिन जर्सी वराट लंबे कद का डिफेंडर, राइट आउट का डिफेंडर, लेफ्ट फुटेड शॉट और खतरा को टालने में कामयाब। नेक्स्ट मैच टाइम बर्बाद करो और उड़ुसु, दोनों टीम जल्द से जल्द तैयार होकर मैदान के इन लाइन में खड़े हो जाए, मैदान के प्रवेश रेखा पर आकर खड़े हो जाएंगे दोनों टीम। टाइम बर्बाद करो बनाम उड़ुसु, जैसे कि हमारे दो भाई पहले से माइक्रोफोन के जरिए आप लोगों को सूचना दे रहे थे कि बहुत विलंब में आज हम लोग चल रहे हैं, आसपास डेढ़ घंटा समय बर्बाद हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा यहां पर हमें सहयोग करना होगा बॉयज क्लब सालदूरी को इस टूर्नामेंट को समापन करने के लिए आज निर्धारित समय में। इस बार जर्सी नंबर 5 हल्का सा पास, फिर से छोटा सा पास, यहाँ पे मौका बनता हुआ, ओ बहुत ही बढ़िया पास सेंटर फॉरवर्ड के लिए, ये मौका हो सकता है, सिर्फ मौका हासिल करने से नहीं होगा, यहाँ पे स्कोर दागना होगा, लेकिन हुसिल का आवाज के साथ एक फ्री का इशारा, इसका फायदा लेने के लिए तैयार बॉयज क्लब सालदूरी बी। परवर्ती मैच नेक्स्ट मैच टाइम बर्बाद करो बनाम उड़ुसु, दुई टीम प्रस्तुत रही है नेक्स्ट मैच पाई दो दिनिया फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 आयोजक बॉयज क्लब सालदूरी पश्चिम सिंहभूम झारखंड टूर्नामेंट और फाइनल उत्सव यह अवसर आम सहित शामिल होता ओडिशा झारखंड समस्त फुटबॉल प्रेमी को स्नेह भरा भल पाइबा नमस्कार शुभ सकाल शुभ शुभेच्छा आपण मानकर सहयोग ए टूर्नामेंट को सफलता शीर्षर पहुंचाउछि। लॉन्ग रनर शॉट यहाँ पर बहुत ही बड़ा कोशिश, खतरे की काला बादल मंडरा रही थी, उसको टालने में कामयाब होते हुए गोल रखे, कोई मौका नहीं। मैच का स्थिति अभी भी सवाल पर शून्य शून्य महाशून्य स्थिति पर है ये मुकाबला, और एक बार पास ही आ गया, फिर से बने टीम के डिफेंडर चट्टान की तरह दीवाल की तरह खड़े हुए हैं। जितने भी टीम आए हुए हैं अपना अपना एंट्री फी जमा करते हुए तैयार रहेंगे,
और अपना एंट्री भी अभी तक दिए नहीं है, आप लोग आने का सूचना नहीं दिए हैं, तो जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट करेंगे हमारे मेन ऑफिस में। ग्रुप डी जो टीम सवार जो हिस्सा लेंगे अपना पैरों का जलवा दिखाएंगे इस मैदान में। आजमगढ़ ब्रदर्स ओएसटीएल असलाबेड़ा डुमरिया जिरपानी टांगरपाली हाकागोई तिंजोर ड्रीम एफसी ये तमाम टीम ग्रुप डी की ओर से अपना पैरों का जादू दिखाएंगे इस सागदोड़ी के मैदान में। यानी कि तमाम टीम आज ग्रुप सी और ग्रुप जहां तक ग्रुप बी और ग्रुप ए चूंकि काल खेल हो चुका है और ग्रुप सी और डी दोनों ग्रुप का आज खेल होगा, उसके साथ साथ कल जो फाइनल में पहुंचा है टीम उसके साथ होगा महाभिड़ंत महामुकाबला। उसे गावाज से संचालक के रूप में आर टू में खड़े हुए हैं सारिका तिर्की जो कि यंग एंड मोस्ट टैलेंटेड रेफरी। कुछ देर के बाद पहुंचेंगे मिस्टर रोशन खान जी जो कि जाने माने चर्चित रेफरी नेशनल साइंस फाइव रेफरी। इसी बीच फिर से मौका बनता हुआ डेंजर जोन पर खतरा को टाल दिए दर्श वर्ता सब नियंत्रण में लेते हुए यहां पर मिडफील्डर राइट आउट की दिशा में लॉन्ग रन जब से लंबा सर सीधे पोस्ट की दिशा में नौजवान गोलकीपर अपने बाहों में ले लिए। कोई खतरा नहीं कोई नुकसान नहीं मुकाबला अभी भी बराबर स्थिति में चलता हुआ बेहतरीन मुकाबला इस मैच को संचालन करते हुए मिस्टर संतोष राव सेंटर रेफरी के किरदार अदा करते हुए एक फ्री किक का इशारा गोल किक का इशारा कर दिया हाफ लाइन के करीब बॉल जब तक तो पाका है उनसे पहले अपने टीम में बॉयज क्लब सागरी बी के कदमों में। और स्विस राइडर का खिलाड़ी गोल क्लब अपने नियंत्रण में लेते हुए राइडर का खिलाड़ी सीधे पोस्ट के दिशा में बहुत ही बढ़िया बचाव बहुत ही बढ़िया सेव कर दिए शानदार जगह उन्होंने यंग मोस्ट टैलेंटेड गोलकीपर इनको ईगल क्लब कोफरंगा जल्द से जल्द तैयार हो जाएंगे टाइम बर्बाद करो और उडुसु बराम टाइम बर्बाद करो दूसरा मुकाबला के लिए आप लोग तैयार होकर मैदान के इन लाइन में खड़े हो जाएं। सही समय पर तमाम टीम मैदान के इन लाइन में आएंगे कितना है 10 की 15 जर्सी नंबर 6 इस वक्त दो दो खिलाड़ी को चकमा देने के साथ साथ राइट आउट की दिशा में पास दे दिए जर्सी नंबर 2 के लिए। इस बार जर्सी नंबर 2 अपने नियंत्रण में ले पाते या नहीं अपने टीम का डिफेंडर तैनात छोटा सा पास फिर से बढ़िया पास बहुत ही शानदार तरीके से टच लाइन के करीब बॉल आज इस फाइनल डे का आनंद लेने के लिए धीरे धीरे हजारों दर्शकों का भीड़ होता हुआ मैदान के चारों ओर शानदार सुहाना मौसम और बड़े बड़े पेड़ पौधों का ये जो एक नजारा और आज का सबसे बड़ा बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं आप लोगों का मनोरंजन के लिए फुटबॉल खेल के साथ साथ चीयर्स लीडर्स चीयर्स गाल का डांस का धमाका देखने को मिलेगा। एक शानदार आयोजन किया गया है आप लोगों का प्यारा अनुष्ठान प्यारा समिति बॉयज क्लब सागदोड़ी की ओर से। इस COVID-19 कोरोना के बाद जिस प्रयास किया गया है झारखंड के हर मैदान पर हम लोग देख रहे हैं आप लोग जानते हैं उधर अगर देखें तो जयंतगढ़ के तरफ चाईबासा के क्षेत्र में बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हम लोग कमेंट्री करते हैं रेफरीशिप भी हम लोग सानिका भाई और रोशन भाई को भी बुलाते उधर और ये झारखंड क्षेत्र में काफी कुछ टूर्नामेंट हो रही है हमारे उड़ीसा में तो पूरी तरह बंदी है अभी धीरे धीरे खुल रहा है लॉकडाउन के बाद एक एक टूर्नामेंट लेकिन झारखंड के क्षेत्र में हर प्रयास जारी है फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ मुर्गा लड़ाई चीयर्स लीडर्स का डांस और आदिवासी हो और संथाली डांस ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होता है मेरे दोस्त और आज उसी तरह नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों का मनोरंजन के लिए आप लोगों का दिल को बहल